भेड़ एवं बकरियों में होने वाली पीपीआर बीमारियों से बचाव के उद्देश्य में पीपीआर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ वैशाली जिले के लालगंज भगवानपुर समेत विभिन्न प्रखंडों में किया गया। इस दौरान लालगंज प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष इंद्रजीत शुक्ला उर्फ पप्पू शुक्ला की अध्यक्षता में प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर पिंकी कुमारी एवं पशुधन सहायक सुनीता कुमारी ने पशु अस्पताल जलालपुर में इसका शुभारंभ किया। वहीं भगवानपुर प्रखंड के सबोपुर कुआरी पंचायत में मुखिया अविनाश सिंह की अध्यक्षता में भ्रमणशील पशु पदाधिकारी डॉक्टर निकू महेंद्र ने इस टीकाकरण का शुभारंभ किया। यह अभियान 5 मार्च से लेकर 19 मार्च तक चलेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि भेड़ बकरियों को सांस लेने में कठिनाई होना, नाक से पानी निकलना, पतला दस्त होना, खाना पीना एवं जुगाली करना बंद हो जाना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि उचित इलाज के अभाव में कभी कभी पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में सभी ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक इस अभियान में अपने भेड़ एवं बकरियों को पीपीआर का टीका दिला लें ताकि पशुओं को इस बीमारी से बचाया जा सके। छोटे जानवर होते हैं जैसे भेड़ और बकरी, उन लोग में पीपीआर एक रोग होती है, इसको कहते हैं गोट प्लेग भी कहा जाता है। एक तरह से प्लेग है इन लोग के लिए। इसमें होता है तेज बुखार आता है, डायरिया होता है, छींकता है और मुंह में छाला पड़ जाता है। ठीक है जी। इसके चलते क्या होता है कि बहुत सारे जो मवेशी मैंने जो बकरी है जो मर जाती है, इससे बचाव के लिए गवर्नमेंट ने निःशुल्क टीकाकरण पीपीआर का करवाना शुरू किया है। ये पीपीआर टीकाकरण है, पेस्टिस डिस्पेस्टिस रूमिनेंट टीकाकरण, जो कि हम लोग इसको 3 साल पे इसका बूस्टर डोज दिलवाते हैं। ये पेस्टिस डिस्पेस्टिस रूमिनेंट्स जो छोटे जानवरों का बीमारी है, बकरी और भेड़ का है, जिसमें इस लोगों को बुखार, निमोनिया, डायरिया, वॉमिटिंग हो जाता है, बहुत ही जानलेवा बीमारी है। इससे अगर एक फ्लॉक बकरी हमेशा फ्लॉक में रहता है, अगर एक को हो जाएगा तो उससे सारे फ्लॉक को हो जाएगा। और ये डेडली डिजीज है जिसमें कि मोर्टिलिटी रेट इसका बहुत हाई है। इसी बीमारी को रोकथाम करने के लिए हम लोग पीपीआर टीकाकरण करवा रहे हैं, जो कि 5 मार्च से 19 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारे जो वैक्सीनेटर हैं पशुपालन विभाग से, वो डोर टू डोर हर एक पंचायत में जाके डोर टू डोर लोगों के जिनके पास बकरी एवं भेड़ है उसका टीकाकरण करेंगे। ये 1 ml इसका डोज है। इसका कॉस्ट भी लिया जाएगा? नहीं, ये निःशुल्क टीकाकरण सरकार के तरफ से है। जो भी टीकाकरण कार्यक्रम जो हमारा पशु स्वास्थ्य पखवाड़ा के अंतर्गत चलता है, महीने साल में 4 टीकाकरण है, वो सारे निःशुल्क टीकाकरण है।